ब्यूटीफुल सा दिन है और इस ब्यूटीफुल से दिन पर मैं कर रहा हूँ भाई साइकिलिंग और अलग ही लेवल के मज़े आ रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम है, ये जो साइकिल है भाई ये थोड़ी पिंक कलर की है। तीन चार बंदे मेरे को टोक चुके हैं अभी तक कि भाई पिंक कलर के अलावा और कोई साइकिल नहीं मिली क्या। तो मैं क्या जवाब दूं भाई, लिटरली में मेरे को पिंक कलर के अलावा कोई और साइकिल ही नहीं मिली, मैं क्या करूं। इसलिए गाइस मैं चला रहा हूं ये पिंक कलर की साइकिल। बट वेट, वहां पर भीड़ बहुत लगी है, और भीड़ लगी है क्योंकि वहां पर एक बहुत तगड़ी गाड़ी दिख रही है भाई। एक बार चलते हैं फटाफट। ओ यहाँ पर साइकिल्स भी हैं काफ़ी सारी। चलो यहाँ से दूसरी कलर की साइकिल उठा लूँगा मैं। बट एक सेकंड भाई, ये गाड़ी कितनी ज़्यादा तगड़ी है। अरे देख रहे हो तुम गाड़ी कितनी बेहतरीन लग रही है। अरे यार सुबह से मैं तो इस गाड़ी के इंतज़ार में खड़ा हूँ। भाई बंदे यहाँ पर सुबह से इस गाड़ी के लिए खड़े हैं। किसकी गाड़ी? हेलो भाई, तेरी गाड़ी है क्या ये? हाँ मेरी ही गाड़ी है। और तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? पीछे हट, पीछे खड़े होके देख। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ तो ठीक है। गाड़ी के पास आने की कोशिश मत कर रही हो भाई तू। अरे नहीं कर रहा मैं गाड़ी के पास आने की कोशिश। बढ़िया लग रही है भाई गाड़ी, जरा उस तरफ से जाके देखूं तो। सॉरी ब्रो। यस गाड़ी तो बढ़िया है यार। भाई थोड़ा एक बार चलाने को मिल सकती है? अबे तेरे को गाड़ी में छूने ना, तू चलाने की बात कर रहा है। अरे गाड़ी ही तो है यार, टेंशन मत ले, मैं स्क्रैच नहीं लाऊंगा। और अगर मेरी तरफ से स्क्रैच आ गया तो इस गाड़ी का डबल प्राइस दूंगा मैं, और बता। नहीं 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 नहीं, गाड़ी में तुझे टच नहीं करने दूंगा। अरे यार प्लीज एक बार बैठने दे। तुझे पता भी है इस गाड़ी की कीमत कितनी है? अरे कह तो रहा हूँ अगर स्क्रैच आ गया तो मैं इसकी डबल कीमत दूंगा। तेरे टच करने से जो स्क्रैच आएगा उसकी तो कीमत नहीं दे सकता। हैं? मेरे टच करने से स्क्रैच आ जाएगा? इतनी नाजुक है ये गाड़ी। नहीं इतने गंदे हाथ है तेरे। तेरी ऐसी की तैसी ले निकल, और कर दिया है मैंने इसे बेहोश। और अब मैं आऊँगा यहाँ पर जब गाइस जब ये होश में आने वाला होगा, और इससे भी तगड़ी गाड़ी लेके आता हूँ। भाई साहब बेइज्जती कैसे कर रहा है, मेरे छूते ही भाई वो स्क्रैच आ जाएगा गाड़ी पे। अभी रुक जा, अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। बदला तो पूरा तब होगा गाइस जब इससे भी ज़्यादा तगड़ी वाली गाड़ी इसके सामने लाऊँगा, और जितनी भीड़ इसकी गाड़ी के लिए लगी है उससे डबल भीड़ जब मेरी गाड़ी के लिए लगेगी तब इसको इसकी औकात पता चलेगी। चलो भाई घर चलते हैं फटाफट, बनाते हैं एक ऐसी तगड़ी सी गाड़ी गाइस जिसको देखने के लिए कि भाई पूरा लॉस सैंटोस उठ के आ जाए, और जिसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी भीड़ लगे। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। ओके घर पहुंच चुका हूं गाइस मैं, और अभी फटाफट से चलते हैं अपने मैजिकल पेंटिंग पैड की तरफ और बनाते हैं एक ऐसी गाड़ी जिसके बारे में ना किसी ने सुना हो ना किसी ने देखा हो उस गाड़ी को। हट जा भाई चौक, ब्लैक कलर क्या हो गया बे, तू हट जा अभी मैजिकल पेंटिंग पैड के सामने से हट जा, मैं एक बहुत तगड़ी गाड़ी बनाने वाला हूँ। लेकिन हुआ क्या, तू हट जा पहले मेरे को गाड़ी बना दे। ब्लैक कलर तू बना क्या रहा है और क्यों बना रहा है ज़रा एक्सप्लेन करेगा। ये मैं बना रहा हूँ भाई अपने बदले के लिए। भाई कौन सा बदला, कैसा बदला? अबे यार अभी मैं नॉर्मली मैं जस्ट पहाड़ों की तरफ मस्त अपनी साइकिल चला रहा था, फिर क्या हो गया बे? फिर यार एक जगह पर मेरी नज़र पड़ी, और वहाँ पर जैसे ही मैं देखने गया तो वहाँ पर थी एक बहुत तगड़ी सी गाड़ी जिसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो भाई जाकर उसके मालिक से पूछता कि भाई क्या मेरे को चलाने के लिए मिल सकती है, और बल्कि मैं तो रेंट वगैरह और या फिर कोई डैमेज अगर गाड़ी पे गलती से आ जाता वो भी पे करने के लिए तैयार था। बट उस बंदे ने मना तो किया ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती के साथ मना किया भाई। कह रहा है मेरे टच करते ही स्क्रैच आ जाएगा। अब बता चौप तू, भाई ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी उसने। सही तो इसीलिए भाई उसको कूट के आ गया मैं, फिलहाल अभी बेहोश पड़ा हुआ है वो। अबे यार ये तो गलत किया तूने। अबे तू रुक जाना भाई, जब तक वो होश में आएगा तब तक उसके सामने मैं उससे भी ज़्यादा तगड़ी गाड़ी लेकर चला जाऊँगा जिस गाड़ी को देख के वो फिर से बेहोश हो जाएगा। और अगर फिर से जब वो होश में आएगा तब भाई फिर से वो बेहोश हो जाएगा। तब क्यों बेहोश हो जाएगा भाई वो? क्योंकि उसकी गाड़ी की भीड़ प्लस पूरे लॉस सैंटोस के लोगों की भीड़ सारी की सारी भीड़ मेरी गाड़ी को देखने के लिए लग चुकी होगी। ओ तो ये प्लान है तेरा? यस भाई बिल्कुल, उसकी गाड़ी पर बिल्कुल भीड़ नहीं छोड़ने वाला मैं, सारी भीड़ अपनी तरफ कर लूँगा मैं। फिलहाल तो ये एक मशीन गन भी लगा दी है मैंने इस गाड़ी पे, ज़्यादा अगर फालतू बोलता वो दिख गया वो बंदा भाई मशीन गन से गाड़ी उड़ा दूंगा मैं, और साथ में उसे भी। भाई यार कलुआ ये गाड़ी थोड़ी बढ़िया सी लग रही है यार, सच में क्या एपिक लग रही है भाई। कलर क्या रखेगा तू इसका? कलर अभी फ़िलहाल सोचा तो नहीं था, लेकिन आई गेस ब्लू कलर ठीक रहेगा। या ब्लू ठीक रहेगा।
लेट्स गो गाइस, कलर करते हैं इसे फटाफट। बे यार बढ़िया लग रही है ये तो। हाँ तो बढ़िया लगने के लिए ही तो बनाई है यार चॉप मैंने। नहीं मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। इसके अंदर ग्रे कलर, यस चॉप। इसके अंदर रहेगा भाई येलो कलर, इसके अंदर रहेगा लाइट ग्रे कलर, और मेरी मशीन गन तो ब्लैक कलर की रहने वाली है। इसके अलावा इधर की साइड लाइट ग्रे, इधर लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, और फिर इधर टायर जो होने वाले हैं वो ब्लैक होने वाले हैं। भाई साहब क्या ही एपिक लग रही है यार ये गाड़ी। भीड़ तो लगने वाली है इसके लिए भाई लिटरली में। अब जो भी हो भाई, उस बंदे का जो धंधा था वो चौपट होने वाला है। फिलहाल तो फटाफट से इस गाड़ी को लेकर आते हैं रियल लाइफ में। लेट्स गो, 3, 2, 1। ओके 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 गाइस, तो यहाँ पर तुम लोग गाड़ी देख सकते हो। चौप भाई क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में। भाई यार गलुए क्या तगड़ी लग रही है ये, एकदम ही अलग, एकदम ही नेक्स्ट लेवल। और मुझे नहीं लगता पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास ऐसी गाड़ी होगी। वे यार इसकी मशीन गन काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। ये देख तबाही तो इसकी मशीन गन की। भाई ये तो सच में ही काम कर रही है बे। अरे यही नहीं बेटा, इसके अंदर और कोई सी भी गन है? नहीं मशीन गन है बस। अरे जो भी है मशीन गन इसकी बहुत पावरफुल है। और अभी फटाफट से इसको मैं लेकर जा रहा हूँ। बाय बाय चॉप, उस बंदे को सबक सिखाने के बाद ही मिलूंगा मैं तुझसे। लेट्स गो गाइस, फटाफट से इसे लेकर चलते हैं। कहाँ लेकर जाऊँ मैं इसे? हाँ अपने माउंट चिलियाट की तरफ। बट वेट, एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर रहे हो भाई, इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट इसकी आगे वाली येलो कलर की है, और अगर टेल लाइट देखोगे तो जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो ये येलो वाली लाइट जलती है। अरे यार बहुत अलग सीन है इस गाड़ी का। सामने कुछ गाड़ियाँ हैं, ज़रा देखो इसकी मशीन गन कितनी पावरफुल है, अभी पता चल जाएगा। पावरफुल तो है, पावरफुल तो है गाइस, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी भी पावरफुल नहीं है। ये देखो कम से कम 5 सेकंड तो लग रहे हैं किसी भी गाड़ी को ब्लास्ट करने में। यस 5 सेकंड डेफिनेटली लग रहे हैं। खैर जो भी हो, फटाफट से इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं। स्पीड बहुत अच्छी है इसकी, स्पीड लिटरली में बहुत ही ग्रेट है भाई। जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। स्पीड की बात कर रहा था मैं, स्पीड तो तुम लोग देख ही सकते हो यार लिटरली में। ये देखो भाई, ओ तेरी, नॉर्मली जितनी भी गाड़ियां हैं सबसे फास्ट एकदम। ओए उड़ गई है, तो उड़ाना नहीं है इसे, चलाना है बस। पता नहीं वो बंदा अभी तक होश में आया होगा कि नहीं। भाई साहब गाड़ी तो इसके सामने कोई कुछ है ही नहीं, किसी भी गाड़ी की कोई औकात ही नहीं है यार। लिटरली में 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड से ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट फिर भी गाइस 5 सेकंड के अंदर सामने वाली गाड़ी ख़त्म है। ये देखो ख़त्म है, ख़त्म। जैसे ये वाली गाड़ी देखना तुम लोग, बस ऑलमोस्ट ख़त्म। 5 सेकंड से भी अब कम टाइम लग रहा है गाड़ी को फिनिश करने में। स्क्रैचेस आ गए, कोई बात नहीं, ऑटो रिपेयर का बटन है भाई। ये दबाया बटन मैंने और गाड़ी फुल्ली रिपेयर हो चुकी है। फटाफट चलते हैं। कौन सी जगह थी वो जहाँ भीड़ लगी हुई थी? ये रही वो जगह। मालिक होश में आया क्या उस गाड़ी का? नहीं अभी तक तो नहीं आया। फिलहाल इन गाड़ियों को ज़रा ब्लास्ट करके हटाते हैं भाई रास्ते से, और फटाफट से जगह क्लियर करते हैं ताकि वो बंदा होश में आए तो उसे दिखे भाई कि मेरी गाड़ी के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। लेट्स गो, बाहर निकलते हैं आराम से। ओके गाइस, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ साइड में लगा दी। होश में आ बेटा, होश में आ, होश में आ गया ब्रो तू। अरे तू फिर से यहाँ पे आ गया, क्योंकि भाई तेरी गाड़ी से भी ज़्यादा तगड़ी मेरी गाड़ी है। अरे ये कैसी लग रही है गाड़ी? क्यों देख के चौंक गया? नहीं बेकार है तेरी गाड़ी, तेरी गाड़ी से बढ़िया मेरी गाड़ी है। वो तो अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा। तो क्या बोल रहा था ब्रो तू, तेरी गाड़ी बढ़िया है? तो ये लोग पागल है क्या भाई, मेरी गाड़ी को देखने के लिए आए हैं? अरे तुम लोग क्या खड़े हो भाई, इससे भी तगड़ी गाड़ी इधर है, आ जाओ इधर, बढ़िया वाली गाड़ी। फिलहाल तो उधर जितने भी बंदे थे क्या हो गया उधर सीन, पूरी की पूरी जगह ही खाली पड़ी हुई है। और भाइयों गाड़ी की टेस्ट ड्राइविंग करनी है? अरे बिल्कुल यार, वो तो हमें गाड़ी टच करने से मना कर रहा था, तुम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दोगे? बिल्कुल टकलू मेरे दोस्त, आराम से तू गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले, और सबको टेस्ट ड्राइव मिलेगी बारी बारी, वो भी बिल्कुल फ्री। बस गलती से भी उधर भटक मत जाना। अरे यार ऐसे हम लोग करेंगे ही नहीं, उधर तो अब देखना भी मना है। अब पता चला ब्रो किसकी गाड़ी बढ़िया है? अरे यार सॉरी सॉरी बोल रहा है तू, निकल यहाँ से। फिलहाल तो गाइस
इसका बिजनेस ख़त्म कर दिया मैंने लिटरली। मैं यार ये टिकट लगा रहा था अपनी गाड़ी को दिखाने के लिए, टच तक नहीं करने दे रहा था, और यहाँ पर मैं फ्री में बंदों को भाई टेस्ट राइड दे रहा हूँ। बल्कि ये गाड़ी तुम लोग ही है, जाओ मज़े करो। फिलहाल तो यार तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर देना। और रही बात इसकी गाड़ी की, हैं रुको रुको भाई, हो टेस्ट ड्राइव करना तुम लोग, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रो, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड, थोड़ा पुराना हिसाब किताब निपटा लूँ मैं। बहुत ही बढ़िया, अब तुम लोग टेस्ट ड्राइव कर सकते हो ब्रोज। लो भाई करो टेस्ट ड्राइव।